हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डियर ओवरसीज। ऋषि सुनक जो कि इंडियन ओरिजिन से हैं, हिंदू हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं यूके के। लेकिन कई सारे जो यूके के लोग हैं उनको ये चीज पसंद नहीं आ रही। आज के लिए आपको एक क्लिप दिखाना चाहेंगे जो स्कॉटिश लोग हैं, यानी कि जो व्हाइट लोग हैं स्कॉटलैंड के अंदर जो रहते हैं, उनका क्या कहना है और कैसे रेसिज्म यूके के अंदर अपने को देखने को मिल रहा है। ऋषि सुनक इज अ ब्राउन मैन एंड यू डोंट ट्रस्ट हिम एट द टॉप ऑफ दिस कंट्री। Well, could you imagine him going to the Scottish Nationalists and being the Prime Minister of the Scottish Nationalists? Could you imagine me becoming the Prime Minister of Pakistan or Saudi Arabia? No, these things matter. I'm sorry you don't like it, but this is predominantly, we're talking about England, right? 85% of the English people, yes, are white English people, and they want to see a Prime Minister that reflects them. लेकिन अब जो भी कहे, यूके में जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं वो ऋषि सुनक हैं और वो बन चुके हैं, और साथ ही के अंदर कई सारी पॉलिसीज जो है वो चेंज होने वाली है यूके के अंदर। कई सारे नए डिसीजंस लेने वाली है यूके गवर्नमेंट, क्योंकि इकोनॉमिकली काफी बर्डन जो है यूके के ऊपर वो आ चुका है ब्रेक्सिट के बाद में, जहां पे इमिग्रेंट्स को अलाउ नहीं करना चाहती थी यूके के जो लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि ज्यादा इमिग्रेंट्स यूके में आए और उसके अंदर उनको प्रॉब्लम दिखती थी। लेकिन अब यूके को ये समझ में आ चुका है और भी सारी कंट्रीज को समझ में आ चुका है कि इमिग्रेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स रादर अ सॉल्यूशन। इमिग्रेशन जहां जहां बढ़ रहा है, जिस जिस कंट्री में बढ़ रहा है, वो कंट्रीज लगातार आगे बढ़ती जा रही है और डेवलप्ड कंट्रीज को स्पेशली इससे काफी बेनिफिट होता है। ये चीज सारी गवर्नमेंट्स को समझ में आ चुकी है। अगर आप हिस्टोरिकली इस चीज को देखें तो आपके पास सबसे बड़ा एग्जांपल है यूएई, यानी दुबई। दुबई के अंदर जैसे जैसे इमिग्रेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे दुबई ग्रो कर रहा है। फिर है कनाडा, जैसे जैसे इमिग्रेशन कनाडा के अंदर बढ़ रहा है वैसे वैसे उनकी इकोनॉमी काफी अच्छी होती जा रही है। और साथ ही के अंदर फ्रेंड्स, यूके के अंदर जहां ऑपोजिट यूके गया था, यानी ब्रेक्सिट के बाद में जहां इमिग्रेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करी गई थी, उसके बाद में यूके की काफी टाइट हालत हो गई थी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस। लेकिन यूके ने इस बात को जल्दी रियलाइज करा और काफी सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आपके लिए ओपन कर दी। वर्क परमिट्स अभी सबसे ज्यादा अगर कहीं इशू हो रहे हैं तो वो इंडियंस को हो रहे हैं। सेकेंडली अगर आप बात करो स्टूडेंट वीजा की, तो इंडिया इज नंबर वन इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट इमिग्रेशन टू यूके। यूके के अंदर सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो है वो इंडिया से जा रहे हैं। और उसी के साथ में फ्रेंड्स, अभी जनवरी इनटेक जो है उसके अंदर आपके भी चांसेस हैं, अभी भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। 7th ऑफ नवंबर सभी यूनिवर्सिटीज की लास्ट डेट है, और उससे पहले पहले आपको यूके के अंदर एप्लीकेशंस करनी होगी। अगर आप ऑफर लेटर का कहीं से वेट कर रहे हैं तो आप मान के चलिए काफी सारी यूनिवर्सिटीज बंद हो चुकी है और ऑफर लेटर्स आपके डिले होंगे, या फिर आपको जनवरी से सितंबर इनटेक में जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप इस सब सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं तो अगले एक वीक के अंदर अंदर आप अपनी एप्लीकेशन तैयार करके हमें भेज दीजिए। यूनिवर्सिटी ऑफ वूस्टर में आपको डायरेक्टली 3,000 pounds तक की स्कॉलरशिप मिल रही है और गारंटीड ऑफर लेटर आपको आने वाला है यूनिवर्सिटी ऑफ वूस्टर से, तो आप अपनी एप्लीकेशन हमें भेज सकते हैं। जो भी आपको क्वेरीज है ओवरसीज एजुकेशन को लेके, वो सारी रिजोल्व करवा सकते हैं। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट विजिट करनी है www.meridian.org, और आप अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर्स वहां पर ले सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से बात कर सकते हैं। और ऐसे ही आपको कंटिन्यूस वीडियोस मिलते रहे, इंफॉर्मेशन मिलती रहे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।